नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप लोगों को जलवायु यानी हमारे देश की जलवायु के बारे में कुछ उपाय बताऊंगी। हमारा देश बहुत प्यारा देश है। इसे साधु महात्माओं ऋषि मुनियों ने द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग के सारे ग्रंथ वेदों से लेकर हमारे देश को एक विकसित देश बनाया। उन्होंने सारे वेद ग्रंथ को पढ़कर इस पे अपना पंचम लहराया। सारे विकसित देशों से मिलाकर हमारा एक देश बना भारत। पहले इस देश का नाम आर्यव्रत रखा गया था, फिर बाद में बदल कर इस देश को हिंदुस्तान बनाया गया। फिर कई युगों के बाद इस देश का नाम पड़ा भारत। लेकिन क्या भारत हमारा अब भी वैसा है? बिल्कुल नहीं। कुछ सालों के बाद ये मुगलों के शासक में रहा, फिर यहाँ पे अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया। कई प्रयासों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान बना। लेकिन क्या लगता है आपको कि हमारा देश अब भी आज़ाद है? बिल्कुल नहीं। हमारा देश अब भी लगता है कि अंग्रेजों के शासक में है, वो उनके अंकुश में है। हमारा देश प्यारा देश, लेकिन इस देश को बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया। उन्होंने सारे ग्रंथों से पढ़कर इस देश को विकसित बनाने के लिए हर कोशिश किया। लेकिन क्या अब हमारा देश वैसा है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश विदेशियों के अंकुश में है। बहुत उत्थान और भारतवर्षों को बहुत सारे खंडों में बांटा गया। उसके बाद देश को हमारी स्थिति अब भी बहुत खराब है हमारे देश में। लेकिन हमारा देश अब सारे विदेशियों के देश से पंचम स्थान में है, वो उच्च कोटि में है। लेकिन फिर भी हमारे देश की जलवायु बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर पोल्यूशन बहुत है, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण बहुत है। क्यों? और साथ ही साथ पॉलिटिक्स की भी महामारी यहाँ पे है। कुछ महीनों पहले यानी कि मार्च अप्रैल में कोरोना वायरस हुआ, जिससे हमारे देश में बहुत उथल पुथल मच गई। हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमारे देश की लोगों के लिए स्थिति अब बहुत खराब हो गई। जो लोग बाहर थे वो बाहर ही रह गए, जो लोग देश में थे वो भी लॉकडाउन में रह गए। हमारे देश कुछ कुछ चीज़ों के लिए ये लॉकडाउन अच्छा भी हुआ, क्योंकि इस लॉकडाउन से देश में हमारे गाड़ी नहीं चले, देश में हमारे यहाँ तीर्थ नहीं गए, देश में हमारे लोग सड़कों पे नहीं निकले, सिर्फ जरूरी सामानों के लिए वो सड़कों पे निकले। जिससे इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन से कुछ देश में मतलब हमारे देश में कुछ जगह जलवायु ठीक भी हुआ। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों ने इस पे अपना पॉलिटिक्स बहुत दिखाया, जिससे पॉलिटिक्स का वायरस हमारे देश में फैल गया। इस वायरस को लोगों ने बहुत ही सहनता से लिया, लेकिन अब कोरोना वायरस थोड़ा ठीक हुआ है और हमारा देश जलवायु ठीक हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह प्रदूषण ठीक होगी? हमारे मेहनत से ये प्रदूषण ठीक होगी? जैसे कि हम लोग रोडों में कचरा फेंक देते हैं, कचरे वाला इसे कचरा उठाकर वो इसे फेंकने जाता है, लेकिन क्या हम मेहनत करके उसे दूर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक कचरे वाले को हम लोग कचरा वाला कहते हैं, लेकिन जबकि हम कचरा फेंकते हैं, हमारे देश को गंदा करते हैं, देश के शासन में नहीं चलता है। जाके आप विदेशों में देखिए, दूसरे देशों में देखिए, क्या आप ऐसे कचरे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे बहुत दंडित किया जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। सारा दिन कचरा वाला हमारे लिए बहुत मेहनत करता है,
वो एक दिन के लिए छुट्टी तक नहीं लेता है, ना ईद मनाता है, ना दिवाली, ना दशहरा, ना होली। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा कीजिए कि हमारा देश भी साफ सुथरा अच्छा रहे, जिससे ये सारी पोल्यूशन ना हो, एक कचरे वाले को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमें उसे भी समझना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ इस माध्यम से कि हमारे देश में अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गंदगियाँ फैलाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत फैलाइए, क्योंकि हमारे जलवायु अगर ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे। ओजोन क्लियर भी आप लोगों सुन रहे होंगे कि सारे खराब होते जा रहे हैं, हमारे जलवायु देश के इतने खराब हो रहे हैं कि हमारे आकाश में अब स्टार बनना यानी तारे बनना बंद हो गया है। इतना हमारे देश में अब जलवायु का इफेक्ट हो रहा है कि हमारे देश का जो तारा है वो भी बनना बंद हो जा रहा है। वो स्लो मोशन में धीरे 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 ऐसा इफेक्ट हो रहा है, ऐसा अटैक हो रहा है वर्तमान में कि वो सब कुछ बंद हो जा रहा है। इसकी उत्पत्ति भी बंद हो जा रही है हाइड्रो की वजह से, हमारी वजह से, हमारी जलवायु की वजह से, क्योंकि हम ही अपने देश के जलवायु को खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, जिससे हमें ही परेशानी होगी। आए दिन इतनी सारी बीमारी क्यों हो रही है? देश की जलवायु खराब होने की वजह से, वरना पहले के ज़माने के लोगों को एक बीमारी तक नहीं होती थी। क्या ऋषि मुनियों के ज़माने में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सत्ययुग में क्या ऐसी प्रॉब्लम होती थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब क्यों हो रही है? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नदियों को गंदा किया जा रहा है, जिससे उन तरह की पानी पीकर हम खुद ही बीमार हो रहे हैं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें खुद ही मिलकर अपने जलवायु को ठीक करना है, अच्छा करना है। तो ठीक है, यही थे मेरे कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी। आगे भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें बताऊंगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। देखिए मुझे आप लोग आगे बढ़ाइए, मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे ही आचरण से, हमारे ही सुधार से, हमारे ही अच्छे नियमों से हमारे देश सुधरेंगे, वरना ये देश खराब होते चलेगा। ले हम इस देश में रहते हैं, इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो ठीक है, तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।